नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले 4 कर्मचारी निलंबित, 13 कर्मचारियों को मिला नोटिस, कलेक्टर ने की कार्यवाही। गुड फ्राइडे पर शहर के गिरजाघरों में आयोजित हुई प्रार्थना सभाएं, ईसाई धर्मावलंबियों ने प्रभु यीशु के बलिदान को किया याद। बिना पंजीयन चल रहे अस्पताल में भर्ती मिले 40 मरीज, जिला प्रशासन ने की कार्यवाही। बिना बताए चुनाव कार्य के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहना 17 कर्मचारियों को महंगा पड़ गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और 13 कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए करीब 14,000 कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण के प्रशिक्षण में बिना बताए अनुपस्थित रहने वाले 17 कर्मचारियों पर कार्यवाही की गाज गिरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और 13 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये करीब हम 14,000 कर्मचारियों को अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रथम प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो PO, P1, P2 और P3 का है। इसके बाद दूसरा प्रशिक्षण जो है इनका, वो 11-12 तारीख के आसपास चालू होगा, जिसमें मतदान दलों का गठन किया जाएगा। तो अभी जितने लोग इतने PO, P1 बन सकते हैं, P2, P3 बन सकते हैं, उन सभी लोगों को हम ट्रेंड कर रहे हैं। सर, कुछ कर्मचारी को नोटिस भी दिए गए? जो लोग ट्रेनिंग में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहेंगे, उनके खिलाफ़ कार्रवाई तो की जानी चाहिए। तो उसी तारतम्य कल जो लोग अब्सेंट रहे हैं, कल करीब 2,500 कर्मचारियों की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें करीब 17 कर्मचारी उपस्थित रहे हैं, 4 को हमने निलंबित किया है और 13 को शो कॉज नोटिस जारी किए। वो उनको अभी नोटिस दिया है, नोटिस देने के बाद उनसे कारण पूछा है कि आप किस वजह से अनुपस्थित रहे। हो सकता है कारण उनका जिनाइन हो, उसके बाद जो कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब देंगे, उसके अनुसार से निर्णय होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि निर्वाचन कार्य एवं प्रशिक्षण में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। छोटे बड़े वाहनों की नंबर प्लेट अनाधिकृत रूप से बनाने वालों को जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है। जिला प्रशासन का कहना है कि सरकार द्वारा अधिकृत नंबर प्लेट ही बनाएं, अन्यथा सख्त कार्यवाही होना तय है। छोटे बड़े वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की जगह लोग मनमाने तरीके से बनाई गई नंबर प्लेटें लगाकर घूम रहे हैं। चुनाव के दौरान लगी धारा 144 के तहत ऐसे वाहन चालकों और नंबर प्लेट बनाने वालों पर कार्यवाही होना तय है। फिलहाल जिला प्रशासन ने अनाधिकृत रूप से नंबर प्लेट बनाने वालों को चेतावनी दी है। ये शासन के निर्देश है बेसिकली, वो धारा 144 में SP साहब का इसमें रिक्वेस्ट आया था कि साहब बिना जो ऑथोराइज नंबर प्लेट है वो बनाई जा रही है। तो जो बनाने वाले लोग हैं नंबर प्लेट, हमने उनको कहा है कि आप कल ऑथोराइज नंबर प्लेट ही बनाइए, जो नंबर प्लेट शासन द्वारा अधिकृत नहीं है उनको मत बनाइए। 144 में इस तरह के आदेश जारी किया है, मुझे लगता है इससे एक अच्छा डिसिप्लिन कायम होगा। यदि मान लो कहीं किसी तरीके से हमारे वेंडर्स की कुछ कमी है जिसकी वजह से सर्विस में दिक्कत जा रही है, एक दफ़े हम उसको रिव्यू कर लें, यदि ज़रूरत होगा तो वेंडर्स की संख्या बढ़ाएंगे। इस मामले में पुलिस को कार्यवाही के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। गुड फ्राइडे पर शहर के गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल होकर ईसाई धर्मावलंबियों ने प्रभु ईसा मसीह की इबादत की। वहीं इस दौरान नाटकों के माध्यम से प्रेम एवं शांति का संदेश देने वाले ईसाई समुदाय के आराध्य प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने और उनकी मौत के बाद जीवित होने का मंचन किया। ईसाई धर्मावलंबियों के द्वारा गुड फ्राइडे को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर शहर के गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित हुईं और साथ ही प्रेम एवं शांति के मसीहा प्रभु यीशु के बलिदान और यहूदियों के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की गाथा को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाल ही में चट्टान में खुदवाया था, किसी को नहीं रखा गया था। शुभ शुक्रवार। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सात वाणी के द्वारा लोगों को ये संदेश दिया है कि सारे दुनिया के मानव जातियों के लिए क्रूस पर अपने जान को देकर और सारे लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए इस दुनिया में आकर सात वाणी के द्वारा दुनिया को ये संदेश दिया है कि सारे लोग प्रेम, आपस में मेल मिलाप और माता पिता के साथ
आदर सम्मान के साथ इस प्रकार से सात वाणी को वर्णन किया है। इसी प्रकार सारे चर्चों में आज का ये जो संदेश सारे लोगों को पहुंचाया जा रहा है। गुड फ्राइडे को ईसाई धर्मावलंबियों के लिए बेहद अहम दिन माना गया है। दरअसल इसी दिन यहूदी शासकों के द्वारा प्रभु ईसा मसीह को क्रॉस सूली पर लटका दिया था, इसलिए ईसाई समुदाय के लोग गुड फ्राइडे पर शोक मनाते हैं। और दो दिन बाद जब प्रभु यीशु दोबारा जीवित हुए थे तभी से ईस्टर संडे मनाया जाता है। कर्मेता में बिना पंजीयन के चल रहे एक अस्पताल में 40 मरीज भर्ती मिले। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पंचनामा कर कार्यवाही की और नए मरीजों को भर्ती करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया। कार्यवाही के दौरान पुलिस और प्रशासन अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। कर्मेता रोड पर बिना पंजीयन चल रहे संस्कारधानी हॉस्पिटल पर जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की है। अचानक किए गए निरीक्षण में इस हॉस्पिटल में 40 मरीज भर्ती मिले। इसके बाद टीम ने पंचनामा की कार्यवाही करते हुए नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी है। देखिए, संस्कारधानी हॉस्पिटल का जहाँ तक पंजीकरण का सवाल है, 31 मार्च 2023 तक उनका पंजीकरण था। उसके बाद उनका पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जा सका क्योंकि उसमें कुछ एक तो ऐसी कमियां थीं जो पूर्ण नहीं हो पाई थी। एक बिल्डिंग परमिशन की कमी थी जो पूरी नहीं हो पाई थी। नगर निगम के साथ उनका कुछ व्यवधान चल रहा है इस बारे में, लेकिन हमें अस्पताल पंजीयन के लिए वो कागज़ होना ज़रूरी है। कोई एक हाईकोर्ट में याचिका भी विचाराधीन है, लेकिन चूँकि उनका बिल्डिंग परमिशन नहीं है इसलिए हम उनके पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करा सकते थे। तो आज की स्थिति में उनका पंजीकरण नहीं है। इस बारे में बार बार विभिन्न संस्थाओं के द्वारा आंदोलन किए जा रहे थे जिससे कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही थी। तो TI साहब माढ़ोताल ने आदरणीय SP साहब को पत्र लिखा था और फिर माननीय SP साहब ने आदरणीय कलेक्टर साहब को पत्र लिखा था। मेरे द्वारा जो अनुविभागीय अधिकारी आधारताल हैं उनको पत्र लिखा गया था। तो फिर एक ज्वाइंट टीम ने, जो हमारे विभाग की और राजस्व की एक टीम ने जाकर पंचनामा बनाया था। 40 मरीज वहाँ भर्ती थे, उनकी लिस्ट बनाकर उनको ये निर्देश दिए गए कि अब नए मरीज भर्ती ना करें और पुराने मरीजों का अच्छे से उपचार करके उनको छुट्टी करें। तो ये निर्देश जारी किए गए हैं और हमने इस बारे में पत्र कल लिख दिया है अनुविभागीय अधिकारी आधारताल को कि अब वो अपने स्तर से इस अस्पताल पर उचित कार्यवाही करें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हॉस्पिटल को अवैध रूप से संचालित किए जाने की शिकायत बार बार पुलिस को मिल रही थी, जिसके चलते अब फाइनल कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान हॉस्पिटल के मैनेजर अंकुर सोनी एवं विकास सिंह को सख्त हिदायत दी गई है। जिला मुख्यालय की ओर जाने वाले मार्ग घंटाघर, तैयबअली चौक, पर्यटन विभाग रोड के आसपास जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। डस्टबिन की भी सफाई नहीं होने से संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। शहरवासियों ने साफ सफाई कराए जाने पर जोर दिया है। जगह जगह लगे कचरे के ढेर शहर की बेहतर सफाई व्यवस्था की कहानी बयां कर रहे हैं। जिला मुख्यालय की ओर जाने वाले 2-3 मार्गों पर भी लगाए गए डस्टबिन कचरों से भरे पड़े हैं। वहीं रास्तों के किनारे भी कचरे के ढेर लगे हैं। शहरवासियों का कहना है कि कचरे से संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना है, लिहाजा सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। ये कचरे का जो लगा अंबार है, ये आप देख रहे हैं, नगर निगम को तो इतनी फुर्सत है नहीं कि वो आपके समस्याओं की ओर ध्यान दे। कचरे का अंबार ये इस बात का गवाह है कि यहाँ पर नगर निगम में सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही। चूंकि इस वक्त आचार संहिता का दौर भी चल रहा है, अधिकारी बड़े मस्त हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कोई लगाम और किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है, कोई सर सफाई नहीं है। इससे जो है तो और आचार संहिता भी लगी है, इससे व्यवस्था में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और इससे मच्छर गंदगी भी बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्या होना चाहिए अधिकारियों को? भाई, अधिकारियों को जो है तो इसकी साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए। आचार संहिता वैसे भी लगी है, पब्लिक इकट्ठा होती है, तो उसमें पूरी व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। गंदगी से किस तरह की बीमारी फैलने का? गंदगी से मलेरिया हो गए, डेंगू हो गए, मच्छर हो गए, बहुत सारी बीमारी तो मच्छर से फैलती है। शहरवासियों का कहना है कि जिम्मेदार विभाग के द्वारा सफाई कार्य ठीक से नहीं कराया जा रहा है, लिहाजा गंदगी का आलम बना है।
आवारा श्वानों का शिकार हुए लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। अकेले जिला अस्पताल में ही डॉग बाइट के 100 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। इस संबंध में सीएमएचओ का कहना है, यदि जिम्मेदार विभाग अपने कार्य को गंभीरता से अंजाम दे तो स्ट्रीट डॉग्स की संख्या भी कम रहती और डॉग बाइट्स की घटनाओं में भी कमी आ जाती। डॉग बाइट्स के बढ़ते मामले लोगों के लिए चिंता का विषय बने हैं। स्ट्रीट डॉग्स का आतंक इतना बढ़ गया है कि रोजाना कई लोग इसका शिकार हो रहे हैं और अकेले विक्टोरिया अस्पताल में ही रोजाना 100 से ज्यादा मामले पहुंच रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्र ने बताया कि नगर निगम के द्वारा श्वानों की नसबंदी कराए जाने का कार्य गंभीरता से किया जाता तो श्वानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती और डॉग बाइट की घटनाओं में भी कमी आ जाती। देखिए, क्या होता है कि निश्चित रूप से जो डॉग्स हैं उनकी संख्या शहर में बढ़ी है और डॉग बाइट के केसेस भी बहुत आ रहे हैं। जिला चिकित्सालय में बड़ी संख्या में लोग रोज आते हैं जिसमें उनको एंटी रेबीज वैक्सीन लगाना होता है और 5 वैक्सीन लगने होते हैं, तो निश्चित तौर पर वैक्सीन का खर्च भी बहुत होता है, बचाव तो है उससे। तो सबसे अच्छा साधन होता है कि जो एक उपाय है इसका कि डॉग्स की जो एक कहना चाहिए नसबंदी ऑपरेशन की जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जो कि नगर निगम के द्वारा की जानी है, यदि उस पर गंभीरता से काम किया जाए तो डॉग्स की संख्या को कम किया जा सकता है और इस कारण से जो एंटी रेबीज़ का खर्च भी बचेगा, लोगों को रेबीज़ यदि हो जाती है, यदि हो गई एक बार रेबीज़ तो फिर उसका कोई निदान नहीं है और फिर इसमें व्यक्ति की मृत्यु हुई हो जाती है। लोगों को भी ध्यान रखना है कि अननेसेसरली बेकार में डॉग्स को छेड़े ना। मैंने कई लोगों को देखा कि ज़बरदस्ती उनको पत्थर मारते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं, तब वो अटैकिंग मोड में आ जाता है। और यदि ऐसा कोई डॉग है आसपास तो उसकी शिकायत नगर निगम में करनी चाहिए, जिससे नगर निगम की टीम उसको लेकर जाए और जहाँ उनको रखने की व्यवस्था की गई वहाँ रखें और उनका जो ऑपरेशन करना है नसबंदी का वो कर सकें। लगभग कितने रोज आ जाते हैं यहाँ? तो देखिए, हम लोग तो जो यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए लोगों को 100 लोगों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था रोज रखते हैं। वहीं शहरवासियों का भी कहना है कि श्वानों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रास्तों में चलना मुश्किल हो रहा है। अरे अभी बच गए भैया, गिरते गिरते दौड़ते हैं, ऐसे पता नहीं पड़ता है। और नगर निगम अपना कार्य करे, इसके पीछे इनको जब्त करे। या मतलब किसी को पकड़ लेते कुत्ते हो? अरे बहुत दौड़ाते हैं भाई, कोई भी दिखता है चलते आदमी को पीछे पड़ जाते हैं, किसी को काट सकते हैं। आवारा कुत्तों से कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। अभी देख रहे कि लाडगंज के सामने से भारी संख्या में कुत्ते, पालतू कुत्ते हैं ये, और जिस तरीके से आम जन को आने जाने वालों को गाड़ियों पर सवार गिर पड़े, लग जाए, घटना घट जाए, इसके लिए नगर निगम जिस तरीके से खामोश बैठी है, नगर निगम के अधिकारी खामोश बैठे, इनको तो पकड़ के ले जाकर बाहर जंगली क्षेत्रों में छोड़ा जाए या इनकी व्यवस्थाएं बनाई जाए, परंतु हमें देखने तो अभी तक मिल नहीं रहा है। आम आदमी परेशान है। शहरवासियों ने श्वानों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाने की मांग की है। पीएसएन के प्राचार्य डॉक्टर राम कुमार स्वर्णकार को संभागायुक्त अभय वर्मा ने निलंबित कर दिया है। दरअसल प्राचार्य के विरुद्ध कॉलेज की ही एक व्याख्याता ने शिकायत की थी, जिसमें आरोप लगाए थे कि राम कुमार स्वर्णकार ने पद का दुरुपयोग करते हुए मानसिक प्रताड़ना दी एवं अधिकार नहीं होते हुए भी वेतन वृद्धि रोकी गई। इसके अलावा कदाचरण का भी आरोप लगा है। शासकीय प्रगत शिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर राम कुमार स्वर्णकार के विरुद्ध संस्थान की व्याख्याता ज्योति खरे के द्वारा शिकायत की थी, जिसमें मानसिक प्रताड़ना, कदाचरण और अधिकार न होते हुए भी परिनिंदा की शास्ति से दंडित करने का आरोप लगाया था। वहीं कुछ अन्य शिक्षकों ने भी आरोप लगाए थे, जिसकी जांच के लिए संभागायुक्त अभय वर्मा के द्वारा टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। लिहाजा उस पर रिपोर्ट के आधार पर संभागायुक्त ने कार्यवाही करते हुए डॉक्टर राम कुमार स्वर्णकार को निलंबित कर दिया है एवं पीएसएम प्राचार्य का पदभार मॉन्टेसरी के प्राचार्य डॉक्टर राम मोहन तिवारी को सौंपा है। गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं से शहरवासी हरकान हो रहे हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिक भी तापमान में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। खास बात यह है कि अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि हो रही है। न्यूनतम तापमान सामान्य 3 डिग्री अधिक 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही आगामी 24 घंटे में प्रदेश के कई स्थानों में लू चलने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है।
खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।